अब क्या चाल चल रही हो तिया? उसका कजिन आया हुआ है, मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। और ये बात तुमने अदनान को भी बता दी है फोन पे? अरे वो तो भड़क गया, लड़ने लगा मुझसे कि आपने उसे ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया। मैंने कहा भाई अभिया उसे अपने कमरे में ले गई तो मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। मेरे ख्याल से अभिया को अदनान से तलाक ले लेनी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभिया उम्मीद से है? नहीं अम्मी, अभिया की जिंदगी को खतरा है वहां पर। पता नहीं विकी तुम क्या हॉल फॉल बक रहे हो आज। अरे क्या बताएं अकबर भाई, परेशान हो गए। लड़की बहुत मॉडर्न है, गैर मर्दों के साथ मिलना जुलना, पार्टीज में जाना, आधी आधी रात को घर लौट के आती है, जी को गरीब कपड़े पहनती है। अच्छा चलो बस ना, छोड़ो, क्या डिस्कस करना है ऐसी बात को। बस बेहतर यह है यार कि दोनों अलग हो जाएं, उसके अलावा और कोई हल दिखाई नहीं देता। कौन सी जगह है भाई, और इतना सन्नाटा क्यों है, कहां है सब लोग? साहब जी अस्पताल है, आप यहाँ आईसीयू के बिस्तर पर पड़े पड़े मर रहे हैं। मैं आपकी जिंदगी का आखिरी सहारा हूँ। आप जिंदा रहना चाहते हैं ना?